तो राधा ने जवाब दिया है, माँ राधा मां। जवाब दिया, मेरी माँ का नाम कीर्ति है, पिता का नाम ब्रजभान है और हमारा नाम राधा है। राधा, राधा को नाम सुन के और जब कीर्ति का नाम सुना है तो यशोदा ने गोद में उठा लिया। जवाब दिया, कितनी सुंदर है लाली और ऐसी बिटिया हमारे आंगन में कन्हैया की बहू बन के आए तो आंगन की शोभा अलग हो जाए। भक्त जनों, जब माँ यशोदा विचार कर रही है तो कन्हैया माँ की मन की बात समझ गए और यशोदा को हाथ पकड़ के जवाब देते हैं, माँ एक बात कहे, बोलो। बोले कन्हैया, मैया कर दे मेरो प्यार और मंगाई दे दुल्हन गोरी सी। मैया कर दे मेरो प्यार, मंगाई दे दुल्हन गोरी सी। बोले भगवान, यशोदा ने गाल में चपत मारी, देख मुंह धो के काजल न लगा पाते है, ब्याह के लिए मरू जाते है। राधा को भोजन करवाओ लाला। राधा को भोजन करवाया, भगवान भक्त की सेवा कर रहे हैं। आदि शक्ति राधा मां यशोदा के गोद में बैठी है। यशोदा ने जवाब दिया है, राधा तुम घर जाओ। और मैया कीर्ति परेशान हो रही होंगी और कहू दूसरे को घर ना है, राधा जो तुम्हारो ही घर है फिर घूम जाइयो। अन कन्हैया तुम्हें न मिलो करने तो तुम अकेली चली आओ खड़ी हो। राधा को विदा किया और विदा करते समय राधा से यशोदा ने कहा है, लाली अपने घर जाओ, अब मेरी कीर्ति से भेंट कहियो, अब मेरे लाला के संगया अकेली ही राधा घर पे आती रहियो।
दिया यशोदा ने राधा, तुम जाओ। जवाब दिया, जाओ राधा और फिर घूम जाइयो। राधा को विदा किया और कन्हैया से जगह राधा को थोड़ी दूर छोड़िया और छोड़ के बहुत जल्दी वापस आओ। बात नहीं बात न मैं राधा की, बात नहीं बात न मैं, वाह भाई वाह, थोड़ी दूर तो भूल गए। और बरसाने में कन्हैया पहुंच गई। माँ कीरती ने देखा, पूछन लगी लाली कौन को लाला है। बोली मैया जी यशोदा मैया के कन्हैया है। सामला रंग भगवान का देखा, तिरछी चितवन भगवान की कीरती के हृदय को छू गई। सोचने लगी कीरती भगवान इतना सुंदर लाला हमारी लाली को पर बन के आए हैं तो सांगन की शोभा अलग।